नमस्कार, बिजनेस रेमिडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। बिजनेस रेमिडीज के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं दिल्ली आधारित कंपनी रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। कंपनी ओपन बॉक्स एवं एक्सेस इन्वेंट्री सॉल्यूशन देने वाली प्रमुख कंपनी है। वर्ष 2002 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। आइए अब रुख करते हैं कंपनी के आईपीओ की ओर। कंपनी का आईपीओ एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर 22 नवंबर को खुलकर 24 नवंबर 2023 को बंद होगा। कंपनी द्वारा ₹10 फेस वैल्यू के 15 लाख शेयर बुकबिल्ड इशू प्रणाली से ₹136 से ₹140 प्रति शेयर के भाव पर जारी कर ₹21 करोड़ जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट लोड साइज 1000 शेयरों का है। आपको बता दें कि कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी कॉरपोरेट कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया रहा है। रॉकिंग डील्स अतिरिक्त इन्वेंट्री, ओपन बॉक्स इन्वेंट्री, री कॉमर्स उत्पादों और रिफर्बिश्ड उत्पादकों के थोक व्यापार में माहिर है। आपको बता दें कंपनी का बिजनेस मॉडल एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय प्रदर्शन पर। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी का कुल राजस्व 15.33 करोड़ रुपए एवं 1.43 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2023 में 15.17 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 1.54 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में कंपनी ने 9.58 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 1.25 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों से स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी की बिक्री साल दर साल काफी अच्छी गति से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 10% से अधिक का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन और वित्त वर्ष 2024 की शुरुआत में करीब 14% का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन काफी अच्छा कहा जा सकता है। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही तक कंपनी की कुल असेट 14.37 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 8.18 करोड़ रुपए, साथ ही कुल कर्ज 3.72 करोड़ रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस 4.50 करोड़ रुपए हैं। आपको बता दें नेटवर्थ के मुकाबले कर्ज काफ़ी कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी पर कर्ज भार अधिक नहीं है। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तकों एवं उनके अनुभव से। 40 वर्षीय अमनप्रीत सिंह कंपनी के प्रमोटर और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी है। उनके पास संबंधित क्षेत्र में काम करने का 2 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। 70 वर्षीय कुलबीर चोपड़ा कंपनी के प्रमोटर और गैर कार्यकारी निदेशक है। वे संचालन प्रबंधन में व्यापक अनुभव के साथ एक निपुण और परिणाम प्रेरित ऑपरेशन प्रमुख है। 40 वर्षीय अवनीत चोपड़ा कंपनी के प्रमोटर और गैर कार्यकारी निदेशक है। उनके पास विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ सोर्सिंग, बातचीत और संबंधों को प्रबंधित करने का असाधारण कौशल है। तो यह थे दिल्ली आधारित कंपनी रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और आईपीओ मार्केट से जुड़े हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमिडीज की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।